का शानदार रहल है ना। वाह चौबीस अक्टूबर 2022 को पूरा देश दीपावली की खुशियां मना रहा था, वहीं चितरंजन बैठा की खुशियां आग की लपटों में जलकर खाक हो गई। दीपावली के दिए और पटाखे के चिंगारी ने चितरंजन बैठा के आशिया को जलाकर राख कर दिया। सिटी न्यूज टुडे लाइव में आपका स्वागत है। ये पूरा मामला सीतामढ़ी जिला के खड़का पंचायत ग्राम इब्राहिमपुर वार्ड नंबर 7 का है। चितरंजन बैठा 24 अक्टूबर 2022 को संध्या के समय लगभग 7 बजे दीपावली की तैयारियों में जुटे थे कि अचानक से चितरंजन बैठा के घर में पटाखे की चिंगारी से आग लग गई और दीपावली की खुशियां राख की ढेर में तब्दील हो गई। इस अगलगी में एक भैंस, एक बकरी, 2 मुर्गी, 4,000 रुपए नगद राशि, साइकिल, कपड़ा, अनाज जल गया। वहीं अधजला बकरी और भैंस को बचा लिया गया। इस मामले की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंचे पंचायत के मुखिया और पीड़ित परिवार की कुछ सहायता की। वहीं अंचलाधिकारी और थाना प्रभारी भी मौके पर पहुंचे। पीड़ित परिवार ने सरकारी सहायता दिलाने की गुहार लगाई है। देखिए सुधीर कुमार झा की ये खास रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? बबीता, बबीता देवी। वार्ड नंबर? पंचायत खड़का पंचायत के वासी हैं वार्ड नंबर 7 के। बबीता देवी, इनका ही मवेशी था जो जल गया है, घर जल गया है, बकरी जल गया है, मुर्गा जल गया है और अभी ये रो रही हैं। अब इनसे हम जानकारी चाहेंगे कैसे आग लगा है, आग कैसे लग गया घर में? फटाका से? फटाका से जल गया है। अच्छा, और इनके प्रतिनिधि जो मुखिया हैं, सरपंच साहब हैं, इनसे पूछेंगे कि ये क्या कर रहे हैं इनके लिए। इस पंचायत के मुखिया बैठा जी, आपसे हम पहले परिचय जानना चाहेंगे, परिचय दिया जाए अपना। हमारा नाम है रामा शंकर बैठा, खड़का पंचायत का मुखिया है। जी जी। एक गरीब आदमी है। जी जी। मवेशी को पाला हुआ था, बकरी उकरी मुर्गा उर्गा पाला हुआ था जी। धोखाधड़ी से फटाका से लग गया है आग जी। इसमें नुकसान हो गया है, मवेशी भैंस जल गया है और बकरी जल गया है। हम अपने प्रखंड विकास पदाधिकारी से और हम अपने अंचलाधिकारी से सहयोग मांगते हैं कि गरीब को कुछ सहयोग मिल जाएगा और घर द्वार मिल जाएगा जी जी, तो ये अपना सुरक्षित रहेगा। अच्छा, हमको इतना ही कहना है। और कहना यह है कि महोदय, अब इनके घर में जो आग लगा है, अभी तो खाने के लिए मतलब सुबह में भी ये खाना कैसे खाएंगे, कुछ नहीं। हम देखे हैं अभी घर का स्थिति और जर्जर है। हमारे दर्शक जो भी है, चैनल सिटी न्यूज टुडे लाइव के जो चैनल के जो दर्शक है, मैं उनको दिखाने जा रहा हूँ कि घर का जो स्थिति है, वो मवेशी इनका जल गया हुआ है और घर में जो शरीर पर वस्त्र है इनका और इनके बच्चे का, बस वही बचा हुआ है। बाद बाकी हाल जो है हम दिखाने जा रहे हैं स्पॉट पर। और सरपंच साहब आए हैं? सरपंच साहब का नाम? सुनील पासवान। सुनील राम। सुनील राम जी। अच्छा, वो अभी तक आए नहीं हैं। ये मुर्गा जल गया है। अब देखा जा सकता है यहाँ घर का स्थिति। साइकिल, खड़का पंचायत के वार्ड नंबर 7, ये इब्राहिमपुर गांव की घटना है जो अभी आग लग गया था और एक मवेशी, लगभग अनुमानित 1,00,000 रुपए का मवेशी है, देखा जा सकता है इसका धड़ जो है, धड़ के पीछे जला हुआ है, पीछे पर ऊपर से। हाँ,
देखा जाए, देखा जा सकता है आज के अगलगी में। जी आग जो लगा है इसकी जानकारी हमें दें, अपना नाम बताएं पहले। हमारा नाम शोभा कांत बैठा है, 7 वार्ड का रहने वाले है, मुखियापुर जी का लड़का है। हम यहाँ पर आ रहे थे बांध पकड़ के अपने चौक पर, दोस्त लोग आए हुए बाहर से उससे मिलने के लिए। आग लगा तो हम लोग वहाँ पर बहुत आदमी थे, सारे आदमी आकर यहाँ पर आग को उसको काबू किए, पानी से मिट्टी से झोंक झोंक कर उसको काबू करके कैसे भी, उसमें मवेशी था, मवेशी आधा जलाया था कच्चे करके, उसको रस्सा काट के बाहर भगाए, उसको आग काबू किए।